आज का जो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है, आज की हमारी जो बात है वो है एफबीआई बैकग्राउंड चेक के बारे में, कि हम ये जानना चाहते हैं कि एफबीआई बैकग्राउंड चेक कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम एक मिसाल लेते हैं कि नीना हैज़ अप्लाइड फॉर अ जॉब एज अ नैनी। ठीक है, नैनी कहते हैं केयर टेकर को। ठीक है, चाहे वो सिक्योरिटी के थ्रू हो, चाहे वो किसी पैरालाइज पेशेंट के थ्रू हो, यानी कि वो करना हो, चाहे वो पेट्स के वो केयर टेकर करना हो। ठीक है, नैनी बेसिकली केयर टेकर का वर्ड है। ठीक है, थ्रू एन ऑनलाइन एड प्लेस्ड बाय अ फैमिली। ठीक है, एक फैमिली ने एक ऑनलाइन एड दिया। ठीक है, और नीना ने उसमें जाना किया, जाना ऑनलाइन एड ये दिया कि हमें जाना एक नैनी, एक केयर टेकर की ज़रूरत है। ठीक है, जो कि केयर कर सके, हमारी सिक्योरिटी के हवाले से केयर कर सके, या हमारा कोई पेशेंट है उसको देखभाल के लिए जाना, उसको केयर करने की जाना वो ज़रूरत है। अमीना ने जाना वो अप्लाई नहीं के जाना अप्लाई किया जॉब के लिए। ठीक है, वो उस एड को देख कर। ठीक है, तो इंटरव्यू पूछा गया नीना से उसके बारे में कि जाना वो किस तरह केयर कर सकती है, उसने पहले क्या क्या किया है, क्या नहीं, इटीसी। उसके बाद वो अच्छा गया इंटरव्यू, और उसके बाद जो है ना नीना से पूछा गया कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, अपनी फैमिली की और जो है ना क्रिमिनल बैकग्राउंड की। ठीक है, अब सवाल ये है, हाउ कैन नीना शो द फैमिली दैट शी हैज नेवर बीन चार्ज्ड विद अ क्राइम। ठीक है, कि नीना वो कैसे अब वो कर सकती है कि जो है ना उसकी नीना की जो है ना नीना और उसकी फैमिली ना किसी भी यानी कि क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रखता कोई भी। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली यूज होता है एफबीआई बैकग्राउंड चेक। अब एफबीआई बैकग्राउंड चेक डेफिनेशन एंड यूजेस, अ पर्सन रिक्वेस्ट कैन रिक्वेस्ट एन एफबीआई बैकग्राउंड चेक और आइडेंटिटी हिस्ट्री समरी व्हिच प्रोवाइड डिटेल्स ऑन अ पर्सन क्रिमिनल हिस्ट्री और प्रूव्स दैट वन डज नॉट एग्जिस्ट। अब एफबीआई जो है ना, बंदा एक एफबीआई को दरख्वास्त देता है, उनको रिक्वेस्ट करता है कि हमें जो है ना हमारी या इस बंदे की जो है ना जो हमने काम पे रखना हो, ठीक है, इसके जो है ना वो बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में ना, क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में आप हमें जो है ना गाइड करें कि क्या इस क्रिमिनल, इस बंदे का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, क्रिमिनल कोई हिस्ट्री यानी कि वो निकलती है इसकी या नहीं निकलती। तो उससे जो है ना आप वो चेक कर सकते हैं। दिस डॉक्यूमेंट इज आल्सो कॉमनली नोन एज आ रैप शीट एंड लीक्स सर्टेन इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम फिंगरप्रिंट सबमिशन फ्रॉम ऑथराइज्ड क्रिमिनल जस्टिस एजेंसी ऑफ द एफबीआई और फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द आइडेंटिटी हिस्ट्री समरी इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अरेस्ट, बट इट मे समटाइम इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्सन इन द केस ऑफ फेडरल एम्प्लॉयमेंट नेचुरलाइजेशन एंड मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, अब एफबीआई बैकग्राउंड किस तरह काम करता है कि एफबीआई जो है ना उसके स्कैन करते हैं उसके थंबप्रिंट्स वगैरह। ठीक है, और उसके बाद जो है ना जब भी यानी कि जाना कहीं भी यानी कि एफबीआई में कहीं भी यानी कि जो है ना अगर कोई क्राइम वगैरह आता है तो आपके जो है ना थंबप्रिंट्स साथ में लिए जाते हैं। ठीक है, और उसको रिकॉर्ड किया जाता है ऑन अ सॉफ्टवेयर जो एफबीआई का अपना होता है, और आप जो है ना उसके थ्रू फिर यानी कि पता चल जाता है कि इसने कब कब ये अरेस्ट हुआ है और कब कब किस किस यानी कि जो है ना क्रिमिनल एक्ट के थ्रू ये अरेस्ट हुआ है, उसको क्या क्या सजा दी गई है। तो सारा जो है ना आपका बायोडाटा एक एज अ फेडरल इन्वेस्टमेंट फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो है ना वो सेव होता जाता है, तो आप जो है ना उससे इजीली आप जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये होता है एफबीआई बैकग्राउंड चेक।